हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम पर डार्क मोड कैसे इनेबल करें। अगर आपका इंस्टाग्राम एकदम वाइट सा दिखता है और आपको आंखों में तकलीफ होती है इंस्टाग्राम यूज़ करते वक्त, तो आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप में डार्क मोड इनेबल कर लेना चाहिए। इससे आपके मोबाइल की बैटरी भी बचत होगी और आपके आंखों में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। तो डार्क मोड कैसे इनेबल करते हैं इंस्टाग्राम में, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम ऐप में आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आ जाना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर तीन लाइन दिख रहा होगा, तो आपको इस तीन लाइन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना सेटिंग एंड प्राइवेसी में। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आने के बाद ऐसे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाइए। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी, तो आपको इस एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आराम से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा डार्क मोड का, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कर लेना है। आप देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन है, ऑन ऑफ और एक सिस्टम डिफॉल्ट। सिस्टम डिफॉल्ट पे अगर आप लोग रखते हैं तो आपके मोबाइल में जब भी डार्क मोड इनेबल होगा, जैसे देखिए अभी डार्क मोड मेरे मोबाइल में इनेबल नहीं है, यहाँ से अगर मैं इसको डार्क मोड कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरा इंस्टाग्राम डार्क मोड में हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से इस डार्क मोड को हटा देता हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम दोबारा से व्हाइट मोड में आ जाएगा। तो ये सिस्टम डिफॉल्ट है, सिस्टम से होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे खुद से इंस्टाग्राम में सेटिंग करनी है, डार्क मोड इनेबल करना है, तो यहाँ पर आप लोग ऑन पर कर दीजिए, यहाँ पर आप लोग ऑन पर क्लिक कीजिए और आपका इंस्टाग्राम ऐप डार्क मोड में हो जाएगा। इसके अलावा आपके मोबाइल में कहीं पर भी डार्क मोड इनेबल नहीं रहेगा, केवल इंस्टाग्राम में ही डार्क मोड इनेबल होगा। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम ऐप में डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। इससे इंस्टाग्राम चलाने में ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है आंखों को और बैटरी की भी काफ़ी अच्छी खासी बचत होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा।